ओके सो गाइस, कैसी हैं आप सब दोस्तों। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे, ठीक होंगे। आज की इस वीडियो में दोस्तों हम बात करने वाले हैं कि हमारे क्रोम ब्राउजर के अंदर ये प्रॉब्लम हमें देखने को मिली है, एक्सेस इंटरनेट की जो है वो ब्लॉक हो चुकी है, और हम इसको को किस तरह से जो है वो सही कर सकते हैं, किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। मेरे पास इसकी प्रॉब्लम दो तीन दिन से आ रही थी, मैंने सिर्फ एक ही क्लिक किया जिसकी मदद से दोस्तों मैंने इसको जो है वो सॉल्व कर लिया, और इजिली मेरा जो इंटरनेट एक्सेस है वो इजिली चल रही है। तो आप भी बिल्कुल ऐसा कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो करते हैं जल्दी से स्टार्ट। ओके सो यहाँ पर आ चुके मोबाइल की स्क्रीन में दोस्तों, अभी आप देख सकते हो मेरे पास ये प्रॉब्लम आ रही है। अगर मैं कोई भी चीज यहां पर सर्च करता हूं दोस्तों, आपके सामने ये पेज है और आप देख भी सकते हो। मान लीजिए दोस्तों मैं किसी भी चीज को अगर सर्च करता हूं तो यहां पर दोस्तों आपको पता चल जाएगा कि ये देख सकते हैं दोस्तों, योर इंटरनेट एक्सेस इज ब्लॉक्ड, ये प्रॉब्लम देखने को मिलती है। यहां पर दोस्तों नीचे भी ऑप्शन आपको दिया जा रहा है कि ट्राई करो, आप चेक करो आपका कनेक्शन कैसा है, आपके पास क्या मतलब प्रॉब्लम आ रही है, वो चीज हमें देखनी है। बाकी आज की इस वीडियो को आखिर तक देखते रहना, आज मैं आपको इस प्रॉब्लम को सॉल्व करके दिखा दूंगा। अच्छा दोस्तों यहां पर अब आपने करना क्या है दोस्तों, सबसे पहले दोस्तों आपने बैक आना है, अपने स्मार्टफोन को एक बार रीस्टार्ट कर लेना है। याद रखिएगा दोस्तों रीस्टार्ट करना है, जो कि आप जो है वो खुद ब खुद जो है वो ओपन हो जाता है, वो रीस्टार्ट आपने इजीली कर लेना है। अच्छा यहां पर दोस्तों आपको जाना है सेटिंग्स के अंदर जाना है। यहां पर जाने के बाद दोस्तों आपको यहां पर क्या सर्च करना है, एप्स का ऑप्शन सर्च करना है। अगर आपको यहां पर ऑप्शन नहीं देखने को मिलता तो यार आप बैक आ जाइएगा। बैक आने के बाद दोस्तों जहां पर हमारे स्मार्टफोन की सारी एप्लीकेशन मौजूद होती है उस पेज के ऊपर आ जाना है, यहां पर क्लिक करना है। या तो दोस्तों आप इस जगह पर आएंगे, यहां पर आने के बाद क्रोम ब्राउजर यहां पर ओपन कर लें, क्रोम ब्राउजर पे क्लिक करके रखना है। यहां पर आपको ऐप इन्फो का ऑप्शन देखने को मिलेगा, आप इसके ऊपर क्लिक कीजिएगा, इसी पेज के ऊपर आप आ जाओगे। अगर यहां से ऑप्शन आपको नहीं देखने को मिलता, आप सेटिंग्स के अंदर आके ऐप्स के अंदर आके मैनेज ऐप्स के अंदर आ जाइएगा। यहां पर आने के बाद दोस्तों आपको कुछ इस तरीके का पेज देखने को मिलेगा। यहां पर दोस्तों आपने क्रोम सर्च कर लेना है, क्रोम सर्च करोगे ये पेज देखने को मिलेगा, और वही पेज जो मैंने आपको शुरू के अंदर बताया कि यार आप उसके ऊपर प्रेस करके रखेंगे ऐप इन्फो के अंदर आ जाएंगे। अच्छा यहां पर दोस्तों आपको रिस्ट्रिक्ट डाटा यूज का देखने को मिलेगा, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। अभी आप देख सकते हैं दोस्तों यहां पर अगर मैं बैक भी करता हूं ना, यहां पर टर्न ऑफ डाटा ये ऑप्शन देखने को मिला ना, टर्न ऑफ डाटा, आप इस पर क्लिक करें। अब यहां पर दोस्तों क्या हुआ कि मैं मोबाइल डाटा जो है ना, मोबाइल डाटा दो सिम मेरे पास मौजूद है, अब अगर मैं इनमें क्लिक कर दूंगा ना, मैं पहली सिम पे यूज कर रहा हूं या दूसरी सिम पे कर रहा हूं, क्योंकि ये मोबाइल डाटा के ऊपर आती है। अगर आप वाईफाई यूज करोगे उसके अंदर ये प्रॉब्लम नहीं देखने को मिलती। अब इसको जो है वो आपने ओके करना है, अब मोबाइल डाटा वाला बस यहां पर आपको यही सॉल्व हो जाएगी आपकी। अच्छा मैं बैक आता हूं, बैक आने के बाद अब मैं क्लिक करता हूं, देखते हैं हमारे पास ये चीज आती है या नहीं आती। सो यहाँ पर आप देख पाओगे कि लोडिंग हो रही है, अभी कुछ टाइम लगेगा, मतलब हमारा जो इंटरनेट है वो थोड़ा सा स्लो होता है, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम हमें सॉल्व देख सकते हैं कि ये प्रॉब्लम मैंने सॉल्व कर ली है। तो आप इजीली इस तरीके से कर सकते हैं। कोई भी चीज़ मैं यहाँ पर सर्च करता हूँ, मान लीजिए दोस्तों गूगल सर्च कर लेता हूँ, आपके सामने आ जाएगा, देख सकती हो ना, तो आगे मुझे ब्लॉक ऑप्शन देखने को मिला, तो आप इस प्रॉब्लम को इस तरीके से सॉल्व कर सकती हो।